बहुत ही इजी सी टिप है, ब्राइट टू बी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे अपने जेन्युइन नेल्स हो, एक्सटेंशन भी लग जाती है नेल्स की, आपने एक्रेलिक नेल्स लगवा ली हैं, नो इशू, ठीक है। आजकल तो सब कुछ हो जाता है, बट नेल्स का फ़ायदा वही है जो शादी के 4 दिन बाद भी आपके चले अपने इतने नेल्स हों तो मज़ा तो नहीं आता है अपने नेल्स का। तो ब्राइट टू बी के लिए सबसे बेस्ट है जस्ट 7 डेज के अंदर आपकी नेल्स ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको 2-3 महीने पहले आप काम करना छोड़ दें, नेल्स बढ़ा के बैठ जाएं। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, अपने बच्चों के कपड़े भी अपने हाथ से धोती हूँ, बट नेल्स मेरी, मैं खुद नेल्स ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखती, शॉर्ट रखती हूँ, और नेल्स ग्रो हो जाते हैं और बहुत जल्दी होते हैं। मेरे 1 वीक के नेल्स हैं, आप देख सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी 1 घंटे में लंबे किए मैंने ये नेल्स, ये 1 हफ्ते में इतनी ग्रो हुई है नेल्स मेरी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं सब खैर खैर के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थंबनेल देख के समझ तो गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे है। आज की वीडियो है ग्रो योर नेल्स फास्टर, नेल्स को लंबे कैसे करेंगे। 1 वीक का रिजल्ट है ये मेरा, 1 वीक में मैंने ये अपने नेल्स लंबे किए हैं और कैसे किए हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने कोई लीमू में नहीं डिप किया पानी में, मैंने कोई नमक लगा के अपने नाखून लंबे नहीं किए, और आई स्वेयर के नमक लगा के मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी, ना लेमन को ना ही सॉल्ट को, कि आप नमक और लीमू के साथ अपने जले पे नमक छिड़कते रहें, ऐसा काम नहीं करना। ये इतना ही पेनफुल है जैसे आपने अपने प्लास से नेल्स पकड़ ली और नेल्स को खींच के निकाल दिया है, इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। नेल्स को लंबा करना जस्ट 3 डेज में, जस्ट 1 आवर में, जस्ट 15 मिनट्स में, इट्स इम्पॉसिबल। जो नेचर से हटके चीज़ है वो उस पर कभी भी ट्रस्ट मत करें। जो नेचुरल होता है वो नेचुरली होता है। आपका कुछ भी लगाने से आपके नेल्स जो से है उसकी हेल्थ, मतलब आपकी आउटलुक अच्छी हो सकती है उससे, पर आपकी ग्रोथ इम्पॉसिबल। नेल्स स्ट्रांग हो सकते हैं, ग्रोथ इम्पॉसिबल। ग्रोथ कैसे आपकी अच्छी होगी नेल्स की, आपकी इनटेक से, आप क्या खा रहे हैं। नेल्स की ग्रोथ के लिए सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना, वो जो आजकल की लड़कियां स्किप कर देती हैं, प्रोटीन, चिकन, चिकन की तरफ चली जाती हैं, गोश्त नहीं खाना हमने, तो गर्ल्स गोश्त को खाइए। गोश्त खाने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया है, तो उसको खाइए। खाएंगे गोश्त, खाएंगे प्रोटीन, आपके अंदर जाएगी तो आपके आपके फेस पे आपके हेयर्स अच्छे होंगे, आपकी फेस अच्छा होगा, आपके नेल्स अच्छे होंगे। तो प्रोटीन मस्ट है। अगर आपको गोश्त पसंद नहीं है तो नो इश्यू, बट गर्ल्स के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है एग। डेली एक एग खाइए, एग के साथ नेल्स आपके कमाल के हो जाते हैं, ट्रस्ट मी। एक अंडा 7 दिन आप नाश्ते में रोज एक अंडा खाएं, और 7 दिन के बाद अपने आप बालों में, अपनी स्किन में, अपने नेल्स में रिजल्ट देखें कि वो कितने अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ मल्टी विटामिन रिकमेंड करूंगी मैं आपको, मल्टी विटामिन लाजमी लें अपनी डाइट में। गर्ल्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मल्टी विटामिन की। मल्टी विटामिन में आप कुछ भी मल्टी विटामिन ले सकते हैं, जिसमें विटामिन ई हो, प्रोटीन हो, मतलब ऑल, विटामिन डी हो, विटामिन सी हो, सब कुछ हो, आप वो मल्टी विटामिन लें और वो जो आपको सूट करती है। बहुत सी मल्टी विटामिन होती है, खा के दिल खराब होने लग जाता है। मेरा अपना होता है, सारा दिन दिल खराब होता रहता है, अजीब से क्या कहूँ उसको, अजीब अजीब सी फीलिंग्स होती हैं, तो इसलिए ना मल्टी विटामिन वो खाएं जो आपको सूट करती हैं। तो उसके अलावा क्यूटिकल्स ने आप लेमन का रेकमेंड किया जाता है, बहुत सी वीडियोज़ मैंने देखी उसमें लेमन रेकमेंड किया जाता है कि नेल्स पे आप लेमन लगाएं, लेमन अप्लाई करेंगे, नेल्स आपके फास्ट ग्रो होंगे। गर्म पानी में लेमन डाल के हाथ डिप करेंगे, उससे आपकी स्किन डेड हो जाती है, आपकी स्किन डल हो जाती है, मीन आपकी स्किन से नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। उसके बाद क्या नतीजा होता है, आपके क्यूटिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और क्यूटिकल्स को आप काट तो लेते हैं, क्यूटिकल्स काटने के लिए 2 औजार जो है वो यूज़ किए जाते हैं, 2 चीज़ें, 2 टूल्स हैं ये। क्यूटिकल कटर, आप इसके साथ अपनी क्यूटिकल्स काट सकते हैं। एक ये है क्यूटिकल कटर, इसके साथ इस तरीके का काट, इसको रख के पीछे पुश करके आप क्यूटिकल काट सकते हैं। इसके साथ आप नेल कटर के स्टाइल में भी आप क्यूटिकल्स काट सकते हैं। क्यूटिकल्स काट दिए आपने, फाइन हो गए नेल, सॉफ्ट हो गए, जब आपकी जो स्किन है वो जो सख्त हुई थी वो खत्म हो गई। उसके बाद जो आपका फर्स्ट डे तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, सेकंड डे जो आपकी साइडों पे मैल मैल काम करने से मैल मैल, और वो फिर जो स्किन के जो लेयर्स होती साइडों वाली लेयर्स अलग अलग हो रही होती है, वो बहुत बुरा लगता है। तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगी ये टूल्स भी, इसके लिए भी एक तरीकाकार है। अगर आपके क्यूटिकल्स बनते हैं तो सबसे पहले आप वैसलीन अप्लाई कर सकते हैं डेली बेस पे, रात को नेल्स को अच्छी तरह वैसलीन लगाएं, और सिर्फ नेल्स पे नहीं अपने आउटर पार्ट पे भी, मतलब आपके ये वैसलीन ली है आपने, वैसलीन आपने नेल्स पे नहीं, और ये आपके अपने स्किन पे भी लगाने हैं, साइडों पे भी, और इसको अच्छी तरह रब करना है, ठीक है। और जितनी एब्जॉर्ब होती है हो जाए, उसके बाद आपने टिश्यू से रिमूव करना है और सो जाए, सुबह उठ के वॉश करें,
ठीक है, कोई ग्लव्स ना पहने, गर्मी है पहने तो जा नहीं सकते, तो कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। आपने जस्ट इसको अप्लाई करना अच्छी तरह, और जितना आपकी स्किन एब्जॉर्ब करती है वो एब्जॉर्ब करे, और एक्स्ट्रा को आपने टिश्यू से रब करके सो जाना है। तो ये आपकी जो सी है ना स्किन, ये क्यूटिकल्स जो है ना, ये आपके बनना खत्म हो जाएंगे। क्यूटिकल्स बनेंगे नहीं, तो क्यूटिकल्स जब बनेंगे नहीं तो आपने काटने, कौन सी क्यूटिकल्स हैं, आपको किसी टूल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अंडा लाजमी खाएं। और नेल्स, अगर आपकी कुछ लड़कियों की शिकायत होती है नेल्स हमारे बढ़ते हैं और टूट जाते हैं, ब्रोकन नेल्स दरमियान दरमियान से टूट जाते हैं, और उसकी भी वजह है, अगर आप नेल्स ग्रो कर रहे हैं, आपके मूड है नेल्स ग्रो करने का, तो आफ्टर 2-3 डेज आप अपने नेल्स को फाइल करें, नेल्स के कॉर्नर्स को फाइल करें। जब नेल्स आपके फाइन नहीं होते, यहाँ से सारे ग्रो कर रहे होते हैं, तो ये वाले जो पार्ट्स होते हैं ना नेल्स के कॉर्नर्स वाले, ये बहुत रफ होते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेशे होते हैं, वो वहाँ से डैमेज स्टार्ट होता है, तो फिर नेल्स आपके टूटना शुरू हो जाते हैं। तो नेल्स को फाइल करें, नेल्स को नीट रखें। और इसके अलावा जो नेल्स को फाइल करने के लिए आप फाइलर यूज़ कर सकते हैं, मैं रिकमेंड करूँगी ट्रिपल कट फाइलर, सबसे बेस्ट फाइलर है ये। डॉट्सेस वाले फाइलर के साथ जो रेगमार जैसा होता है उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, इस फाइलर के साथ आप नेल्स को अपने फाइल करें, नेल्स को नीट रखें, नेल्स आपके टूटेंगे नहीं। और अगर फिर भी आपके नेल्स टूटते हैं तो भी बहुत मजे की ट्रिप है मेरे पास, तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये लेसन। लेसन लगाना है आपने, एक जगह ले लेना है इसका, इसको छील लेना, और छीलने के बाद दरमियान से दो पार्ट्स में डिवाइड करके आपने नेल्स पे अच्छी तरह रब करना है, नेल्स पे, नेल्स के आउटर स्किन पे भी। इसके अलावा ये पॉइंट जो है ना जहाँ से आपके नेल्स निकलते हैं, आपने इस पे भी रब करना है अच्छी तरह। और मेक श्योर लहसुन देसी होना चाहिए, फार्मी लहसुन, मोटी मोटी जो वो वाला लहसुन नहीं लेना, वो असर नहीं करेगा, उल्टे आपके नेल्स को येलो कर देगा। तो नेल्स को अच्छा रखने के लिए ये लहसुन जो सर देसी लहसुन है ये यूज़ करना है। और ये मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना छोटू सा लहसुन देखा है, और ये टोटल लहसुन है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जमे हैं, तो ये तो उसकी मदर लग रही है, तो बस ये सब कुछ चलता रहेगा। इसके अलावा अगर आपको वैक्सीन नहीं लगानी है नेल्स पे, लेसन आपने अप्लाई कर लिया नेल्स पे, आधा घंटा छोड़ दिया, सारी नेल्स पे अच्छी तरह अप्लाई कर दिया, स्मेल नहीं होगा, आधे घंटे रखने आपने, आधे घंटे बाद नेल्स को हाथ को वॉश कर देना। वॉश करने के बाद आपने काम करना ये कि कोकोनट ऑयल, ये मैंने इस बॉटल में डाला हुआ है न्यूट्रोजिना के फेस वॉश की बॉटल में, ये कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल आप अप्लाई कर सकती है अपने नेल्स के ऊपर, अपनी स्किन के ऊपर, ताकि वो उस नरिश हो जाए, और थोड़ी सी उसकी जो स्मेल है ना लेसन की वो चली जाए। उसके अलावा बेबी ऑयल, बेबी ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, बेबी ऑयल भी बहुत अच्छा है नेल्स के ग्रोथ के लिए। इसके अलावा अपनी डाइट में विटामिन ई, विटामिन सी, कैल्शियम, इसके दूध पिए, दही खाएं, अंडा लाजमी खाएं, प्रोटीन लें, इंशाल्लाह आपके नेल्स बहुत जल्दी ग्रो होंगे। और ब्राइट टू बी आप लोगों के लिए मस्ट ट्राई है कि आप ज़रूर ट्राई करें इसको, लेसन को नेल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और नेल को ग्रोथ करने के लिए। मैं तो कहूँगी इनटेक है आपका, जो इनटेक होगा वही आपका आउटर नज़र आएगा। तो अच्छा खाएं, अच्छा आप पेट पहनना भी अच्छा लगेगा, मीन आप अच्छा खाएंगे तो आपके नेल्स भी अच्छे होंगे, आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपकी स्किन भी अच्छी होगी। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको कैसी लगी आज की इन्फॉर्मेशन, अच्छी लगी तो कहीं लाइक कर दीजिएगा, कोई सजेशन तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और चैनल पर नहीं हो तो कहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।